ए फिफ्टी वन मतलब कि उनतीस मई दो हज़ार चौबीस का जो हमारा स्टडी प्लान रहेगा वो है टोटल सब्जेक्ट्स को हमें आठ घंटे देने इंग्लिश को ढाई घंटा मैथ्स को दो घंटा रीजनिंग को एक घंटा और जनरल नॉलेज को ढाई घंटा और इस हिसाब से हमारा शेड्यूल रहेगा बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो और इंग्लिश रीडिंग में हमें इंग्लिश माध्यम एडिटोरियल पीडीएफ पढ़ना और समझना है अगर किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है कि कैसे यूज़ करना है इसके बारे में जानना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से जाकर देख सकते हो और करंट अफेयर्स में सितंबर 2023 का मंथली करंट अफेयर्स हमें करना है 100 से 120 क्वेश्चंस तक और इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंग्लिश वोकेबलरीज जो है उसमें वोकेब्स ट्वेंटी करने हैं वन वर्स सुपर ट्यूशन्स पाँच सौ पच्चीस से पाँच तक करने और एडियम्स तीन से तीन तक और फ्रेजल वर्ब्स 185 से 190 तक और जो भी आपके सोर्सेज है या जिस भी आप किसी टीचर या बुक वगैरह से कर रहे हो वहाँ से आपको ये करना है स्टैटिक जी में एस एस सी का जो है हमें चार से चार सौ क्वेश्चन तक करना है और इसके भी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव की हमें क्लास थ्री करना है और इसको फिनिश कर देना है और इसके जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल, मिल जाएगा वहाँ से जाके आप कर सकते हो ये और रीजनिंग में एस एस सी जी डी दो हज़ार चौबीस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेली बेसिस पे पचास क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ वन में मिडाइवल हिस्ट्री की रिविजन करनी है हमें ठीक है नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से जाके आप रिवाइज कर सकते हो मैथ्स में हमें मिक्शन एलिगेशन की क्लास नाइन करनी है और इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाकी अगर किसी बच्चे ने कोई पेड बैच वगैरह ले रखा है तो वहाँ से भी जाके कम्प्लीट कर सकता है और अपने प्रॉपर नोट्स बनाने जनरल स्टडीज टू में हमें इंडियन ज्योग्राफी जो है वो कम्प्लीट आ, करना है उसमें क्लाइमेट ऑफ इंडिया और इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से जाके आप कर सकते हो मैथ्स में कैलकुलेशन एंड रिविजन में मैथ ऐप है उससे हमें करना है